أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. कल के दर्स में आप हजरात इस आयत मुबारका का जो तर्जमा है और कुछ मुख्तसर मफहूम है वो सुन चुके हैं, जिसका खुलासा ये है कि माल यतीम को किसी भी हीले और बहाने से खाना और उस पर कब्जा करना इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। कुल तीन सूरतें माल यतीम में हीला बहाना करके हासिल करने की यहाँ पर बयान हो चुकी हैं, जिनमें से तीसरी सूरत कल के दर्स में बयान हुई कि यतीम बच्ची के साथ महज इसलिए निकाह कर लेना कि इसका माल हमारे कब्जे में रहेगा और न कोई इसका जिम्मेदार है कि अगर हम कोई ऊंच नीच कर देंगे तो हमसे जवाब तलब होगा या कोई पूछने वाला होगा, तो बस कुछ दे दिया तब भी ठीक है, न दिया तब भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे ही पास रहेगी तो इसका माल भी हमारे ही कब्जे में रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का खतरा हो और डर महसूस हो कि तुमसे यतीम के बारे में ये काम हो सकता है, फरमाया कि फिर यतीम लड़की के साथ निकाह करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। समझा गई? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्यों, इसलिए अब मुफस्सरीन फरमा रहे हैं कि इसके उसको दो फायदे होंगे कि जब वो उसका निकाह अपने साथ नहीं करेगा किसी और जगह पर कर देगा तो उसको दो फायदे हासिल होंगे। एक फायदा तो ये हासिल होगा कि वो उसके बारे में हर किस्म के गुनाह से महफूज हो जाएगा कि जो उसके जहन में खतरात पैदा हो रहे थे हक महर देने के हवाले से, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से और इसी तरह उसके माल के हवाले से, जब उसका निकाह आगे कर देगा उसका माल उसके सपुर्द कर देगा तो वो उसके बारे में और उसके माल के बारे में हर किस्म के गुनाहों से क्या है, बच जाएगा। समझ आ गई? और दूसरी बात यह है कि इस सूरत के अंदर जब वो अपने हाथों से खुद उसका निकाह आगे करके देगा तो उसका पीछे से जिम्मेदार बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों जी, उसका जिम्मेदार बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? इसलिए कि जब उसने खुद निकाह करके दिया है तो जाहिर बात है कि जिनको निकाह करके दिया है तो उनके लिए तो जिम्मेदार वही है। अगर उस बच्ची के साथ वो कोई ऊंच करते हैं, कोई नीच करते हैं, कोई गर्मी सर्दी करते हैं, कोई गम गुस्सा करते हैं, तो फिर कम अज कम उस यतीम लड़की की तरफ से कोई ना कोई तो उनसे पूछने वाला क्या है, होगा। समझ आ गई जनाब? तो फरमाया कि ये दो फायदे उसको फिर हासिल होंगे। एक तो ये है कि उसका माल खाने से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और दूसरी बात यह है कि उसकी तरफ से कोई ना कोई मुश्किल वक्त में बात करने वाला भी क्या है, मौजूद होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु,
और अगर तुम डर महसूस करो इस बात से कि ये कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम बच्चियों के बारे में, फरमाया कि फिर उनके साथ निकाह मत करो। समझ आएगी? फन के हूँ फिर निकाह तुम करो किन के साथ, मा तौबलकुम, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें क्या है इसके अलावा पसंद हो। क्या मतलब है कि तबी तौर पर तुम्हारी तबीयत को वो पसंद हो और शरी तौर पर उनके साथ निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल भी हो। ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत को तो बहुत पसंद लग रही है मगर शरी तौर पर उनके साथ निकाह करना हलाल ना हो, तो तबीयत को पसंद भी हो तो फिर उसके साथ निकाह की इजाजत नहीं होगी। वो इंशाल्लाह इसी पारे के आखिरी रकू में 14 किस्म की औरतें आ रही हैं जिनके साथ निकाह करना हमेशा क्या होता है, हराम होता है। समझ आएगी? इसलिए यहाँ पर शाह साहब रहमतुल्लाह ने ये खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि जो तुम्हें तबअन पसंद हो और शरअन तुम्हारे लिए क्या हो, हलाल हो। समझ आएगी जनाबे वाला? तो उनके साथ तुम क्या कर लो भाई, निकाह कर लो। और जो तुम्हें पसंद हो, और मोमिन की पसंद क्या होनी चाहिए, कल के दर्स में उसके बारे में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा को नसीहत की थी, उस एक बात का तذکرہ हो चुका है, तफसील इंशाल्लाह आएगी कि जिसमें आपने फरमाया था कि लोग माल की वजह से भी निकाह करते हैं, जमाल की वजह से भी करते हैं, हस्ब व नसब की वजह से भी करते हैं। अबू हुरैरा, तू जब भी निकाह करे तो किस चीज को देख कर निकाह करना, दीन को देख कर निकाह करना, उनके किरदार को देख कर, उनके अकैद और अमाल को देख कर उनके साथ क्या करना, निकाह करना। आगे देखिए जरा, फिर कुरान ने फरमाया कि यतीमों को छोड़ दो और निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हो। फरमाया मसना, तुम्हें इजाजत है दो दो निकाह कर लो, तुम्हें इजाजत है वसुलासा, तीन तीन निकाह कर लो, वरुबा, और तुम्हें इजाजत है कि चार चार निकाह कर लो। अब यहाँ पर तअद्दुद अज़वाज का मसला इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपकी खिदमत में मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। आज फिर माशाल्लाह आप अक्सरियत दोस्तों पे नींद का बहुत खूब गलबा हो रहा है, तो उनके उनके एहतराम में मुख्तसर करता हूँ और एक ही बात अर्ज करता हूँ आपके लिए, इस बात को भी समझ जाए। वो ये है कि अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त दी है, समझ आ गई, शर्त लगाई है कि अगर तुम उनके दरमियान अदल कर सको, उनके दरमियान इंसाफ कर सको, तो फिर तुम्हें इजाजत है कि एक से ज़ायद निकाह भी कर लो। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि अल्लाह तअदिलु कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो फिर फकत एक ही औरत पर क्या करना है, इक्तफा करना है। समझेगी? अब यहाँ पर ये बात आपको समझानी है, मुख्तसर आज अर्ज कर देता हूँ। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब एक मर्द को तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त दी है तो फिर चार के ऊपर बंद क्यों कर दिया है, चार पर उस हुक्म को बंद क्यों कर दिया है? अल्लाह ने फरमाया कि दो दो कर सकते हो, तीन तीन कर सकते हो, वरुबा, और कितने कर सकते हो, चार कर सकते हो। कुरान मजीद ने जब तअद्दुद अज़वाज की इजाजत दे दी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इजाजत तो है एक शर्त के साथ, लेकिन फरमाया शर्त के साथ भी इजाजत महदूद है, कितनी औरतों के साथ, चार के साथ। फरमाया बेशक तुम औरतों के दरमियान इंसाफ भी करो, अदल भी करो, मगर चार से ऊपर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। समझ आएगी जनाबे वाला? अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि उस दौर के अंदर, जमाने जाहिलियत के अंदर, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक से पहले, और इसी तरह उस कुरान मजीद के नाकाम के नुजूल से पहले, जिस तरह लोग यतीमों के माल हीले बहानों से खा रहे थे, इसी तरह लोग जो है चार पाँच छः सात आठ नौ नौ दस दस औरतों के साथ भी लोग क्या कर लेते थे, निकाह कर लेते थे, और फिर जिसके साथ जी में आया उसको तलाक दे दी, फिर जिसको चाहा अपने पास रख लिया, कोई पाबंदी नहीं थी जनाबे वाला, वो दस दस औरतों के साथ भी क्या कर लेते थे, निकाह कर लेते थे। क्योंकि उस वक़्त मकसूद जो है वो उनका माल हासिल करना होता था,
और उनके हुकूक की अदायगी तो होती नहीं थी, ये अदल और इंसाफ वाली शरायत तो थी नहीं, बस एक अपना गलबा और डंडा और जोर था जिसकी बुनियाद पे दस दस औरतों के साथ भी क्या कर लेते थे, निकाह कर लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अब तुम्हें इजाजत है अदल और इंसाफ के साथ, लेकिन अदल और इंसाफ के साथ भी चार तक इजाजत है, चार से ऊपर की इजाजत नहीं है। आज जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जदीद यूरोपी तबका है, मगरबी तबका है, जहाँ पे रहने को मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझता है, बहुत बड़ा फख्र महसूस करता है, उनकी हालत क्या है कि वो कहते हैं कि वैसे तो एक बीवी होनी चाहिए मर्द की, निकाह एक होना चाहिए, गर्ल फ्रेंड बेशक 100 भी बना सकता है। नहीं समझ आ रही, गर्ल फ्रेंड क्या होता है कि शादी एक के साथ है, बाकी जितनी औरतों के साथ तुम जो कुछ मर्जी करना चाहो तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और वो लोग भी इस्लाम के तअद्दुद अजवाज वाले मसले पर एतराज करते हैं, समझ आएगी, जिनके हाँ अपने लिए बगैर निकाह के जितनी औरतों से करना चाहो बेहयाई, मुंह काला करना चाहो वो इजाजत है, मगर हलाल तरीके के साथ करने की उनके हाँ इजाजत नहीं है, समझ आएगी जनाब। तो आइए हदीस से पाक आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों के दरमियान इस सिलसिले में कोई तादाद की कैद नहीं थी, लोग चार से भी ऊपर जा रहे थे, तो इस्लाम ने फरमाया कि एक मर्द के लिए फितरती तौर पर अगर उसके अंदर इस किस्म की बातें हों, जज्बात हों, वो तफसील आएगी कि एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त की शरीयत में जवाज़ की क्या शर्तें हैं और उसकी क्या तरतीब है जनाबे वाला, तो वो इंशाल्लाह तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। लेकिन बहरहाल कुरान मजीद ने शर्त के साथ तअद्दुद की इजाज़त दी है और शर्त भी फिर महदूद है कितनी औरतों के साथ, चार। आप इंशाल्लाह सुनेंगे दलाइल के साथ कि एक मर्द जो है फितरती तौर पर उसमें जितनी भी कुव्वत हो, उसमें जितनी भी ताकत हो, उसमें जितना भी हौसला हो, तो एक वक्त के अंदर अगर उसके पास चार बीवियाँ हों तो उसकी हर किस्म की ख्वाहिशात की उनसे क्या हो सकती है, तकमील हो सकती है, तस्कीन हो सकती है, इससे आगे उसके लिए इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है। ये हदीस पाक जरा सुने इस सिलसिले में, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल के अंदर, वो फरमाते हैं कि अन्न गैलान इब्न सलमत अस-सक़फी। अब इस हदीस पाक के ऊपर और भी बड़े मसाइल हैं और आपकी अदम जो तवज्जो और दिलचस्पी है वो भी एक बड़ा मसला है जनाबे वाला। अन्न गैलान इब्न सलमत अस-सक़फी, कुछ दोस्तों की बात मुझे बहुत कभी कभी समझ आती, कहते हैं रोज़ाना एक रकू का तर्जमा मुख्तसर मफहूम सुना दो बस यही काफ़ी है। आप जिस तहकीक के पीछे पड़े हुए हैं इतना मुतालिया इतना ज़ोर इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये ठीक बात है उनकी माशाल्लाह। इस पर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसी के ऊपर शायद आ जाऊँ, और एक तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि पता नहीं ज़िंदगी कब तक है, बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं या जवान हैं उनको जल्द अज जल्द पूरा कुरान मजीद सुनने का भी मौका नसीब हो जाएगा। अन सालिम इन अन अभी है, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, वो अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत करते हैं, अन गैलान इब्न सलमत अस-सक़फी, बेशक एक आदमी था जिसका नाम गैलान था और वो सलमा सक़फ़ी का बेटा था और सकीफ़ के कबीले में से था, ताइफ का रहने वाला था, असलमा, उसने क्या कबूल किया, इस्लाम कबूल किया, व तहतहू अशरु निस्वतिन, और उसके निकाह में 10 औरतें थी, उसके निकाह में क्या है 10 औरतें थी, और जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसकी औरतों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फ़क़ाल लहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया या रसूल अल्लाह ये मेरा मामला है, आपने फरमाया इख्तर मिन्हुन्ना अरबअन, इन में से बस चार का इंतखाब कर ले, इन में से बस इनका कितनी का इंतखाब कर ले, चार का इंतखाब कर ले और बाकी को अपने पास से क्या कर दे, जुदा कर दे, समझ आएगी जनाब। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के साथ भी इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि चार से ऊपर रखने की मुसलमान को इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त होती तो गैलान बिन सलमा सक्फी जो था
जब उसने इस्लाम कबूल किया उसके आकद में 10 औरतें थी तो अल्लाह के नबी उसको क्या दे देते, इजाजत दे देते, मगर आपने फरमाया कि नहीं, 10 में से तुझे रखने की इजाजत है, कितनी औरतें, 4 औरतें। यहाँ पर मुफस्सरीन ने ना एक मसला बयान किया है निकाह के हवाले के साथ। अब आप ये देखें कि जब उसने उनके साथ निकाह किया था उस वक़्त तो वो काफिर थे, उस वक़्त वो क्या थे, काफिर थे। अब जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि जिन 4 को रखना चाहता है उनसे निकाह भी दोबारा कर? ये एक बड़ा तफसीली मसला है, भाई इशारा हो गया आपके लिए, समझ आएगी जनाब अल्लाह, कि अगर कोई गैर मुस्लिम है, कोई काफिर है, उसने उस हालत कुफ्र के अंदर जो है जो भी उनका तरीका था आपस में निकाह का, उस तरीके पे अगर उन्होंने निकाह किया है, बाद में दोनों मियां बीवी इकट्ठे मुसलमान हो जाते हैं, तो पहले वाला निकाह बरकरार होगा, पहले वाला ही निकाह क्या होगा, बरकरार होगा, और जो उनके बच्चे हैं वो उन्हीं के बच्चे समझे जाएंगे। ये नहीं है कि ये तो तुमने जमाना कुफ्र के अंदर किया था लिहाजा वो तुम्हारा निकाह का अदम है, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं खुद उनकी जो अपनी बेटी थी जनाब ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ भी यही मामला बना था कि जब उनकी बेटी गज़वे बदर के बाद उनके खामंद जो है अबुल आस बिन रबी बदर में कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आए तो उससे पहले चूंकि निकाह करना जायज था, बाद में फिर आयत आ गई कि काफरों से निकाह की इजाजत नहीं है, तो फिर आपकी बीवी जब बेटी वापस आ गई तो अबुल आस बिन रबी जो है वो अभी हजरत जैनब इद्दत के अंदर थी कि वो भी मुसलमान होकर वापस आ गए, तो अल्लाह के नबी ने दोबारा अपनी बेटी का निकाह नहीं फरमाया, समझेगी जना। तो ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है, इस बात को समझ, अगर पहले कोई आदमी किसी भी अकीदे के ऊपर, किसी भी कुफर के ऊपर, किसी भी गैर इस्लामी बात के ऊपर रहा हो और उस हालत में उसका निकाह हो गया हो और बाद में वो इकट्ठे मुसलमान हो जाएं, या औरत मुसलमान हो, खामद औरत जो है मुसलमान हो गई है और अभी इद्दत के अंदर है और खामद ने इद्दत के दौरान भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर भी नए निकाह की ज़रूरत नहीं रहेगी, समझेगी जनाबे वाला। इससे आगे जो है हदीस पाक में कुछ हिस्सा है, कल सुनाएंगे आप। اللهم انت السلام وانت السلام